चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणबीर सिंह इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए अपनी फिल्म पद्मावती को लेकर। फिल्म में रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की अभिनय की तारीफ जमकर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाहिद कपूर के लिए कहा जा रहा है कि वो बिना मन के ही फिल्म में रोल करते दिखे हैं। ऐसे में अब शाहिद कपूर अपने हर इंटरव्यू में लोगों को यह बताना चाहते हैं पद्मावत फिल्म में वो हीरो वही हैं और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी कर रही है। जी हां, करनी सेना के इतने हंगामा करने के बावजूद भी पद्मावत आखिरकार पूरे देश में रिलीज कर दिया गया है। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है। दरअसल संजय लीला भंसाली की फिल्म 250 करोड़ में बनी है और यह फिल्म 100 करोड़ का ही बिजनेस किया है। लगता है कि पद्मावत काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अभी भी कुछ राज्य में यह सिनेमा पूरी तरह से नहीं लागू किया गया है और इसकी पायरेटेड डीवीडी भी मार्केट में खूब बिक रही है। साथ ही साथ इसे ऑनलाइन साइट पर भी काफी भारी मात्रा में लीक कर दिया गया है। इससे फिल्म के कलेक्शन पर जोरदार गिरावट दिखा गया है। अगर हम फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने टोटल अब तक 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरा कर लिया है, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह मात्र 100 करोड़ ही कमा पाई।